चित्तौड़गढ़ के बेगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भिधूड़ी का बड़बोलापन फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत अपने मंत्री के जेल जाने से डरते हैं और इस कारण रीट की सीबीआई जांच नहीं करा पा रहे। भिधूड़ी से बयान का वीडियो भी सामने आया है। वह पारसोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लोकार्पण समारोह में बतौर अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान पारसोली थाना पुलिस के खिलाफ बोलते बोलते भिधूड़ी ने सीएम को भी घेर लिया। कहा, थाने से डोडा चूरा चोरी हो गया और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, उन्हें सबको सस्पेंड करना चाहिए था, सबको भगाकर सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी। सीएम रेट मामले की जांच नहीं करवा सकते, कम से कम पारसोली थाने के मामले की तो जांच करवानी चाहिए थी। मैंने सीएम को लिखा है कि रीट की सीबीआई जांच को लेकर डर क्यों रहे हो, क्योंकि कोई मंत्री जेल चला जाएगा, लेकिन पारसोली थाने की तो सीबीआई जांच करवा दो। एमएलए यही नहीं रुके, आगे उन्होंने चित्तौड़ से कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का नाम लिए बिना ही तंज कस दिया। बोले, जो नेता दो बार 50,000 वोटों से हारा है उसको मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री तक का दर्जा दे दिया और जीतने वाले को नीचे गिरा दिया। इस विधायक जीतेंगे तभी तो आप मुख्यमंत्री बनोगे, हमें हमारा कार्यकर्ता ही जिताएंगे। जब कार्यकर्ता ही मजबूत नहीं होगा तो उसकी कोई सुनेगा नहीं, हम भी कैसे जीतेंगे। भिधूड़ी के बयान का वीडियो सामने आने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। वह अपनी ही सरकार के फैसलों से खफा बताए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले भी तत्कालीन भैंसरोडगढ़ एसएचओ को गाली देने के मामले में भी भिधूड़ी विवादों में रहे थे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।